हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको फ़िश करी बनाना दिखाएंगे। तो सुबह आज हम लोग गए थे फ़िश मार्केट, तो वहाँ पे देखा कि बहुत टाइप ऑफ फ़िश आए हैं, पर हम लोग को सबसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्ट्रिंग रे वाला फ़िश भी था, बहुत सारे रूही कतला सब था। तो पर हम लोगों ने तैलापिया ही लिया, क्योंकि तैलापिया काफ़ी बड़ा था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी दिन तक नहीं खाए हैं, तो हम लोग तैलापिया फ़िश लेके आए। तो आप देख रहे हैं कि भैया काट रहे हैं, बहुत ही अच्छे से काट के दिए थे हमें, और बहुत ही फ्रेश था तैलापिया फ़िश। तो अब हम लोग फिश पे गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड और थोड़ा सा सॉल्ट को मिक्स करके ग्राइंडर में पीस के इस पर हम लोग फिश पे लगा लेंगे। और इस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा कट्स लिए हैं ताकि मसाला सब उस पर अंदर चला जाए। और इसको हम अब 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे अच्छे से। पहले कढ़ाई है, नॉनस्टिक का कढ़ाई है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा तेल की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा कम ही तेल डालें, क्योंकि ये तेल तो ज़्यादा सोक नहीं करता है इसमें। ऑयल गरम हो गया है, अब हम फिश को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, थोड़ा मसाला डाल देते हैं इसमें। इसको हल्का सा ढक देंगे। फिश बहुत अच्छे से फ्राई हो गया और हम लोगों ने इसको फ्लिप कर लिया है, तो देखिए कितना अच्छे से फ्राई हुआ है। थोड़ा मेथी डाल देंगे, इसमें गार्लिक डाला है, फिर ब्लैक पेपर डाला है, येलो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, ये सब डाला है। तो अब हमने सारे मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखे या लो रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको काफ़ी देर तक मसाले को भूनने के बाद हम लोगों ने पानी डाल दिया है। आप अपने क्वांटिटी, जैसे आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डालें। तो हमको थोड़ा ग्रेवी चाहिए था ज़्यादा, तो हम लोगों ने इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया है। अब हम इस पे रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। ये रेड चिली पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी तीखा अगर आप नहीं खाते तब इसको स्किप कर सकते हैं। सिंस हम लोग खाते हैं इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा रेड चिली पाउडर डाला है। मैंने नमक ऑलरेडी डाला था जब मैरिनेशन कर रही थी, तो अभी मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, जस्ट स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत नमक डाल रही हूँ। और फिर हमने इसे सर्विंग प्लेट पे सर्व किया है फिश करी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये फिश करी का प्रिपरेशन कैसा है।